बौद्ध आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा, जिन पर पूरी दुनिया के बौद्ध परंपरा के अनुयायी अपनी श्रद्धा रखते हैं और जिनके उपदेशों का अनुसरण भी करते हैं। पिछले कुछ समय से जबकि देश में अलग अलग धर्मों में महिलाओं के अधिकारों पर बहस छिड़ी हुई है, वर्तमान और 14वें दलाई लामा तेन जिन ग्यात्सो के सामने भी बौद्ध धर्म में महिलाओं के स्थान के बारे में प्रश्न उठाया गया है। जब दलाई लामा ने इसका जवाब दिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दलाई लामा ने कहा कि बौद्ध परंपरा बहुत उदार है, उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अधिकार है और भविष्य में कोई महिला भी दलाई लामा बन सकती है। मुंबई IIT के कार्यक्रम में यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में कोई महिला दलाई लामा हो सकती है, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। तिब्बत और भारत में महिलाएं पंथ प्रमुख के पद पर भी रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि करीब 15 साल पहले एक फ्रांसीसी पत्रिका के संपादक ने मेरा साक्षात्कार लिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या भविष्य में कोई महिला दलाई लामा हो सकती है। तब भी मैंने कहा था हाँ, अगर भविष्य में महिला ज्यादा प्रभावी हुई तो निश्चित तौर से बौद्ध परंपरा में वो दलाई लामा पद पर बन सकती है। उन्होंने भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि दूसरे देशों ने ईश्वर की अवधारणा को तो अपनाया लेकिन केवल प्रार्थना करने के लिए, जबकि भारत ने मानसिक शांति की तकनीकी विकसित की है। खुशी का शांति से गहरा संबंध है। 20वीं सदी में काफी हिंसा और परेशानियां थीं। 21वीं सदी में इसे दोहराना नहीं चाहिए और शांति होनी ही चाहिए, लेकिन आंतरिक शांति के बिना आप वास्तविक शांति पैदा नहीं कर सकते। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।